निवागंज निवासी श्री सीटर टिंकू कपाला पर 22 जुलाई 2019 को लखनऊ जोन पुलिस की ओर से 1 लाख का पुरस्कार घोषित किया गया था। बता दें कि बीते दिनों में कृष्णानगर इलाके में मुठभेड़ के दौरान हुई मुठभेड़ में टिंकू कपाला गिरोह के 3 बदमाश के साथ 2 सिपाहियों को भी गोली लगी थी। बता दें कि टिंकू कपाला ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े लूट और अन्य बड़ी वारदातों में को अंजाम दे चुका है। पंजीकृत हैं, इसमें अधिकांश लूट और हत्या के मुकदमे हैं। ये जो अपराधी है, इसका पिछले साल लखनऊ में कृष्णानगर में ज्वेलर्स के यहाँ बड़ी घटना हुई थी जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई थी। उसका मुख्य आरोपी है, 1 लाख रुपए का इनामी है। ये लखनऊ ADG जोन के स्तर से इनाम घोषित है, 1 लाख रुपये का। दुर्दांत अपराधी, इसका एक साथी और था। एक मोटरसाइकिल वहाँ बरामद हुई है जिस मोटरसाइकिल से ये लोग आए थे यहाँ पर, और उस मोटरसाइकिल के बारे में अलग से जानकारी की जा रही है। जो भागा हुआ बदमाश है उसको 6 थानों की फोर्स लगाकर कॉम्बिंग की जा रही है। खुला खेत है, वहाँ कॉम्बिंग की जा रही है। यूपी के फतेहपुर जिले के सांसद व मंत्री साध्वी निरंजन